हेलो, आज बनाएंगे हरे प्याज की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है मूंग दाल। इसका हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे, बिल्कुल लो फ्लेम पे, 1.5 मिनट तक करना है। और हाई या मीडियम फ्लेम मत करना, नहीं तो जल जाएगी, फिर ये अच्छी नहीं लगेगी। तो ये हो गया, मैं निकाल रही हूँ और अब मैं फिर से बिठा दी। और उसमें मैं डाल रही हूँ ऑयल 1 बड़ा चम्मच, और उसमें डाल रही हूँ राई थोड़ी सी। राई चटकने बाद हम डालेंगे प्याज, 1 मीडियम साइज प्याज मैंने कट करके लिया। और इसको ज़्यादा देर तक नहीं पकाएंगे, थोड़ा सा कलर चेंज होने तक। तो अब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे हरा मिर्च और लाल मिर्च, इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और अभी मैं यहाँ पे डाल रही हूँ लहसुन, इसे भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, जिससे इसका कच्चा स्मेल निकल जाए, थोड़ी सी कलर चेंज हो जाए। फिर हम उसमें डाल देंगे पानी। तो यहाँ पे हो गया, मैं पानी डाल रही हूँ। मैं तो डाल रही हूँ 2 ग्लास से 3 ग्लास, आप अपने हिसाब से डाल लो, जैसे पानी बॉईल हो जाए। फिर हम उसमें हम डाल देंगे मूंग दाल। और फिर इसमें मैं थोड़ी सी डाल रही हूँ नमक, ताकि मूंग दाल जल्दी से पक जाए। और हम इसको फिर से कवर कर देंगे। और फिर मैं निकाल रही हूँ, और यहाँ पे मैं डाल रही हूँ हरा प्याज, जैसे ही आधा बॉईल हो जाए ना मूंग दाल, फिर उसके बाद हमें हरा प्याज और बैंगन डाल लेना है। बैंगन डालने से और भी अच्छा टेस्ट आता है। और अभी हमें इसे अच्छे से मिला के कवर कर देंगे। तो मैं कम से कम 7 मिनट के बाद निकाल रही हूँ। तो यहाँ पे चेक कर रही हूँ पक गया है कि नहीं, ये तो पक गया है ऑलमोस्ट। अभी हम इसे और कवर नहीं करेंगे, ये हो गया है। बस इसे ठीक होने तक ऐसे ही चलाते रहेंगे, नहीं तो ये नीचे लग जाएगी, फिर जल जाएंगी, फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम ऐसे ही चलाते रहना है, इसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ऐसे चलाते चलाते 4 मिनट हो गया है, अब तो हो जा। तो ये हो गया है, ऑलमोस्ट हो गया, अभी तो हो गया, बस इतना ठीक करना है। फिर अब मैं गैस बंद कर दी। यस, फाइनली बन गया। रेसिपी कैसी लगी बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।